जय महाकाल। यदि आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, सुख शांति बिल्कुल नहीं है, समस्या कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती, समस्या पीछा ही नहीं छोड़ती, कोई एक परेशानी कोई दूसरी परेशानी, आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत खास है। गुरु जी ने इसके दिन बताए हैं। ये उपाय एक तो गुरुवार के दिन आप कर सकते हैं, एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन और जो मासिक शिवरात्रि आती है उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इन चार दिनों में आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि ये जो दिन है, जैसे एकादशी की तिथि या प्रदोष की तिथि या मासिक शिवरात्रि संडे के दिन यानी रविवार के दिन करें पड़े तो ये आप उपाय नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। यदि रविवार को ये तिथियाँ पड़े तो आपको ये उपाय नहीं करना है, फिर आप किसी और दिन करिए। लेकिन गुरुवार, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि, इन चार दिनों में आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है एक लोटा जल, एक बेलपत्री लेनी है और एक गोल बत्ती का दीपक लेना है। उसमें गाय माता का घी डालना है देसी। अब जो आपने एक लोटा जल लिया है, आपको अपने किचन से लेना है वो जल, और उसमें आपको वो बेलपत्री डाल देनी है। बेलपत्री डालकर उस जल को, जो आपने लोटे में बेलपत्री डाली है, वो लोटा आपको अपने घर में चारों तरफ हर कमरे में घुमाना है। पूरे घर में आपको उस लोटे को दोनों हाथ में लीजिए और दोनों हाथ में लेकर पूरे घर में आपको घूमना है, किसी अशुद्ध जगह को छोड़कर। आपको अपने घर के कमरे, आंगन वगैरह में सब जगह घूम लेना है। उसके बाद ये लोटा सुबह के समय आपको ये उपाय करना है। उसके बाद ये लोटा आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है, बेलपत्री जिसमें डली हुई है, और आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है जो आपने तैयार किया है गोलबाती का। ये जो उपाय है, आपने जो दीपक प्रज्वलित किया है, जो लोटा रखा है, आप या तो अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं या जो किचन में आप पीने का पानी रखते हैं वहाँ आप दीपक प्रज्वलित करके और वो एक लोटा जल जिसमें बेलपत्री पड़ी हुई है वो आप रख सकते हैं, तो कहीं भी आप रख दीजिए। उसके बाद शाम के समय जब वो दीपक बुझ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आपको वो एक लोटा जल उठाना है जिसमें आपने बेलपत्री डाली हुई है और एक दीपक तैयार कर लेना है आपको गोलबत्ती का दूसरा, उसमें भी गाय का देसी घी ही डालना है। फिर जाना है आपको पीपल वृक्ष के पास और वहाँ जाकर आपको एक लोटा जल समर्पित करना है पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। ध्यान रखिए, आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए वो जल समर्पित करना है, बाबा से अपनी प्रार्थना करनी है जो भी आपके घर में परेशानियाँ हैं। उसके बाद वो दीपक वहीं पीपल वृक्ष की जड़ में आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने से पहले आप थोड़े से कुछ दाने लेकर जाइए अनाज के, और उस अनाज के दाने को पहले रखिए, उसके बाद उसके ऊपर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। क्योंकि गुरुजी हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो दीपक के नीचे अनाज के कुछ दाने अवश्य रखें। वो दीपक प्रज्वलित कर दीजिए पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। इस पीपल वृक्ष का जो उपाय है, इसीलिए गुरुजी ने कहा है कि यदि यह संडे के दिन यानी रविवार के दिन पड़े तो आप ये उपाय नहीं कीजिए। यदि आप गुरुवार को नहीं कर पा रहे हैं तो आप एकादशी, प्रदोष या शिवरात्रि में कीजिए, लेकिन संडे का दिन ना हो तो आप उपाय कीजिए। गुरुजी ने कहा है उपाय बहुत ज़्यादा खास है, आप देखिएगा, कीजिए। उसके बाद आपको घर में पता चलने लगेगा कि आपके घर में जो भी समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और आपके घर में खुशियाँ वापस आ जाएंगी। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है उसे, डर उसे बहुत लगता है, रोग उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को जब भी करें उस दिन, उससे एक रात मतलब एक दिन पहले रात में, तो आपको क्या करना है, रात के समय एक लोटा जल लेना है। उस जल को ढककर जो व्यक्ति बीमार है या डर लगता है उसे उसके सिरहाने यानी सिर की तरफ रख देना है ढककर। आपको ध्यान रखिए, उसको ढककर आपको सिर की तरफ रख देना और एक बेलपत्री लेनी, उस बेलपत्री को इस जल में नहीं डालना है इस उपाय में, तो आपको ढककर बस वो रख देना है जल। उसके बाद जब सुबह हो तो जो बीमार व्यक्ति जिस वो बिस्तर पर लेटा हुआ है तो उसके ऊपर से क्लॉकवाइज यानी जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है उस तरीके से सिर से लेकर पैर तक आपको 21 बार वो लोटा घुमाना है। घुमाते हुए जब आप 21 बार घुमा लें, उसके बाद जब आप घुमाने के बाद आपको वो बेलपत्र है फिर उसमें डालनी है। ध्यान रखिए, इसमें बेलपत्र आपको जब आप घुमा लेंगे उस बीमार व्यक्ति से उसके बाद आपको डालनी है। फिर ये जल लेकर आपको जाना है नीम के पेड़ के पास। इस उपाय में नीम के पेड़ के पास जाना है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बस एक दिन पहले आपको जल का लोटा बीमार व्यक्ति के सिरहाने रखना है। अब सुबह के टाइम आप उठ, फिर ये जब आप जल का लोटा है वो सुबह उठाना है आपको, फिर आपको ले जाना है नीम के वृक्ष के पास और वहाँ जाकर उस व्यक्ति का नाम, गोत्र
और जिस तिथि में आप ये उपाय कर रहे हैं, चाहे वो अष्टमी हो, नवमी हो, दसवीं, मतलब उस तिथि का नाम और समय बोलकर आपको वो जल नीम के पेड़ के जड़ में समर्पित कर देना है। गुरु जी कहते हैं ऐसा यदि आप करते हैं, देखिएगा कुछ ही दिनों में वो बीमार व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, चाहे उसका कोई भी रोग हो वो उसके ठीक होने लगेगा। यदि डर की समस्या, उसे डर लगता है, घबराहट ज़्यादा होती है, तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो इस उपाय को अवश्य आप कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।